अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडोन वर्क रिसर्च की रिपोर्ट पर लगाए गए आरोपों को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। अब इसकी आंच झारखंड में भी देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी की 20 साल की मेहनत की हवा निकल गई। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को राज्य स्तर पर भी घेरना शुरू कर दिया है। 6 फरवरी को जिले के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अधिकतम भागीदारी के साथ जिला मुख्यालय में LIC कार्यालय, SBI कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि देश एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से आप अमूल का दाम हो, दूध का दाम, आप देखिए किस तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। इन तमाम चीजें होने लगी तो बाबा बागेश्वर धाम आ गए। इतनी बड़ी बात हो रही है तो ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई का एजेंडा सेट कर रहा है वो आज अमूल दूध कर रहा है। दूध तो बच्चों के मुंह से छीनने की जिम्मेदारी इस सरकार ने ऐसी ली हुई है। आप देखिए डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी नेता जो हमारी विधायक थी ममता देवी, उसके दूध मुंह है बच्चे से दूध छीनने का काम किया था इन लोगों ने। और आज एक बार पूरे देश के दूध मुंह है बच्चे से जो अमूल का दूध पीता होगा उनसे दूध छीनने का काम किया जा रहा है। 3 रुपए एक साथ बढ़ा देना कहीं ना कहीं ये महंगाई के एजेंडे को सेट कर रहा है। और पूरे देश में जहां भी दूध विक्रेता होंगे उसको आधार मान करके दूध का रेट बढ़ाने का काम करेंगे। जब आपका पैसा SBI में डूब रहा है, आपका पैसा LIC में डूब रहा है, ऐसे समय में आप दूध महंगा करवा रहे हो और वो भी गुजरात की कंपनी से एजेंडा सेट करा रहे हो तो हम लोग क्या समझे? हम लोग यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपका ये मित्र काल है और कहीं ना कहीं ये लोगों को कंगाल बना रहा है और आप उसकी सफाई में ये बताना चाहते हैं कि ये अमृत काल है तो बिल्कुल गलत है। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जो तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उसकी विश्वसनीयता को लेकर काफी संकट है। भारतीय इतने बेवकूफ नहीं हैं कि विपक्षी दलों की बात को सही मान लें, जबकि SBI, RBI और LIC का स्पष्टीकरण आ गया है। जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसमें लाख कोशिश कर ले पर सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए हिंडनबर्ग को लेकर जो एक तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उसकी विश्वसनीयता को लेकर ही काफी संकट है, क्योंकि अमेरिका ने इस फर्म के खिलाफ अमेरिका में ही कई मुकदमे चल रहे हैं और आज जिस तरह से स्पष्टीकरण आया है SBI का हो, RBI का हो या LIC की ओर से, मैं समझता हूँ बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। और भारतीय लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि विपक्षी दलों की बातों को ही अक्षरशः सत्य मान लें। जब SBI की ओर से स्पष्टीकरण आ गया, LIC की ओर से आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है और जो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें लाख कोशिश कर लें। धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है विरोधी दल होने के नाते, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होने वाले। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।